तो कल हम बात कर रहे थे कुछ मेंस में आंसर राइटिंग को लेकर के और आप लोगों की प्रैक्टिस को लेकर के। तो एक तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि जो मैंने कल आपको बताया कि जैसे जैसे पेपर बीतते हैं आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है और आपकी क्वालिटी भी बढ़ती चली जाती है, तो अंततः उसका फायदा होता है और मार्कशीट बहुत अच्छी बनती है। लेकिन क्या हम एग्जाम में जाके प्रैक्टिस करेंगे? एग्जाम से पहले भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग, टेस्ट दे सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देंगे तो हर टेस्ट से करीब करीब 10 नंबर का फायदा होगा आपको। 250 मार्क्स का यदि पेपर है और आप अभी 70 ला रहे हैं तो आप अगले टेस्ट में 80 तक पहुंचेंगे, फिर उससे अगले टेस्ट। लेकिन ये 10-10 नंबर का फायदा कब होगा? जब टेस्ट में बताई गई खामी को आप दूर करेंगे। जो समस्या आई है कि जिसकी वजह से कम नंबर आए हैं, तो टेस्ट जब कभी भी होगा उसके बाद में आपसे डिस्कशन किया जाएगा और उस टेस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, या तो हम व्हाट्सएप से या जिस भी माध्यम से आपको टेस्ट का रिजल्ट देंगे उसमें हम उसमें आपको नोट करके देंगे कि उसमें दिक्कत क्या है, आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं, इन कम नंबर का कारण क्या है। बस वो प्रॉब्लम जो है वो आप दूर कर लीजिएगा। आपकी रिपीटेशन एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, हिंदी में मात्राओं की गलती ज़्यादा है, कंटेंट की क्वालिटी का सवाल है, या आप लोगों का प्रेजेंटेशन है कि प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, ठीक से आप चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, फ्लो चार्ट नहीं बना रहे हैं, डायग्राम नहीं दे रहे हैं, तो कौन से प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज कि आप जो अपना समय है वो इन दिनों का पढ़ाई का उसको कैसे बिता रहे हैं, तो 2-3 चीजें हैं आपके लिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक एग्जाम का कि आपका प्रीलिम्स हो गया है या होने वाला है या अगले साल आप बैठने वाले हैं, लेकिन एक साल हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से जो है ये एग्जाम नहीं निकलने वाला। इसमें जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं और जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है उनसे कुछ सीखिए, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है, वो अपने प्रयोगों से अपनी गलतियों से कुछ सीख चुके हैं, तो उनसे कुछ सीखिए। या तो ऐसे लोग हों जिन्होंने सफलता प्राप्त की हो पिछले दिनों, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपको जो सफलता प्राप्त हुई है उसका क्या कारण है, उसमें आपने ऐसा क्या लिखा और आपके लिखने का तरीका क्या था, या फिर आप हमारे जैसे शिक्षकों से पूछ सकते हैं कि सर हम इसको कैसे करें। अगर आप एक्सपेरिमेंट करने में लगे रहेंगे तो ये समय निकल जाएगा आपका, और समय इतनी तेज गति से जा रहा है कि फिर उसका बाद में आपके पास अगर अटेम्प्ट नहीं है या कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज के समय में अगर आप 25-26 साल तक, 27 साल तक, 28 साल तक अगर नौकरी पर नहीं लगे तो एक दबाव सा आप लोग महसूस करते हैं। और हालांकि ये हर युग में रहा, हर समय में रहा है कि 25-30 साल का व्यक्ति जो है वो अगर जॉब नहीं लगता है तो पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने का समय रहता है, इसी समय में विवाह का समय होता है, इसी समय में घर वाले दबाव डालते हैं। लड़कियों के लिए तो 22-25-26 में जो है एकदम माहौल बन जाता है घरों में कि उसका विवाह करेंगे और उसको अब जो जितनी पढ़ाई हो चुकी है उतनी ठीक है। और लॉकडाउन में तो आपने देखा है कि कई लोगों का विवाह कर दिया गया है, छोटी छोटी बच्चियों का, क्योंकि स्कूल बंद थे, बोले स्कूल तो बंद है, अब पढ़ाई तो हो नहीं रही, अब क्या करोगे, चलो शादी कर देते हैं। मिड डे मील बंद हो गया,
तो बच्चों का न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक दो आर्टिकल में। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो है लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाइयाँ बहुत बहुत पीछे रह गए हैं बच्चे, शहरी क्षेत्रों के और जो अमीर वर्ग के बच्चे हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, उनसे गरीब बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत पीछे रह गए। तो ये सब नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से पिछले 6 महीने में। अब कॉम्पिटिशन एग्जाम पे उतना असर इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएट आदमी उसको फाइट करता है, अधिकांश बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो 21 साल के आसपास के हैं, 20 साल से ऊपर के हैं, इसलिए वो अपने आप पे ऐसा दबाव महसूस नहीं करते। लेकिन घर से एक दबाव तो आएगा 25 साल की उम्र के बाद, 27 साल के बाद, 28 साल के बाद, आखिरकार एक प्रेशर आता है। खुद कई बार प्रेशर घर वाले नहीं डालते लेकिन हम लोग खुद ही महसूस करने लगते हैं कि अब हम इतने बड़े हो गए तो फिर ऐसे में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट का समय नहीं है कि आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। तो सीधा लिखना शुरू कीजिए और सीधा टेस्ट दीजिए, सीधा अगर हो सके तो आप क्लास ज्वाइन कर सकें तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स खरीद सकें और नोट्स से पढ़ सकें तो नोट्स खरीद करके पढ़ लीजिए। लेकिन ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए कि अभी देखते हैं और कुछ देखते हैं, थोड़ा समय और देखते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के उसके चक्कर में बहुत सारा समय निकल जाएगा और एक आध एग्जाम दे करके जब पता चलता है अंततः कि नहीं कुछ करना था, ये तो गलती हो गई, तब तक फिर देर हो जाती है, फिर समस्या जो की त्यों। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो अभी हम लोगों से सीधे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनमें से अधिकांश लोग तो चूंकि जुड़ चुके हैं क्लास में, उन्हीं लोगों से बात की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ में चूंकि YouTube पे बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, ये जो मैं एक जनरल एक टॉपिक के तौर पे इसको डालने वाला हूँ, तो उन लोगों के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सिंसियर नहीं है तो फिर या तो फिर वो अपनी रास्ता जो है वो कोई चुने जहां पर उनको आसानी से रोजगार मिल सके। अगर सिविल सर्विसेज के इस कॉम्पिटिशन में आप लोग आना चाहते हैं तो फिर समय मत बिगाड़िए, ज्यादा समय खत्म करने से एक के बाद एक आपको फिर परेशानियां ही आएंगे। तो एक चीज तो ये आप लोगों से जो बात करनी थी। दूसरा कि अब जो आपको मेंस की रणनीति बता रहे थे आपको, तो आप ज्यादा से ज्यादा लिखने की बात आई थी कल बताया था हमने कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए, और जब आप लिखेंगे, देखिए हम अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं, दुनिया में बहुत तरह की उथल पुथल है, भारत में और तमाम राज्यों में आप देख रहे हैं कि किस तरह की उथल पुथल है। तो अब हम भी चुनावी राजनीति पर, सामाजिक उठापटक पर अभी इस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम पूरा फोकस करेंगे आपकी पढ़ाई के ऊपर और आपके एग्जाम के ऊपर, क्योंकि अभी जो है आपका एग्जाम निकल गया तो डेफिनेटली फिर आप जागरूक रहेंगे और इन सब परिस्थितियों के बारे में कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा सकारात्मक कदम आप उठाएंगे, ऐसा हमको लगता है। तो अभी हम पूरा फोकस जो है मेंस एग्जाम के ऊपर, इसके ऊपर करना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले तो आज की बातचीत के भी 2-3 चरण रहेंगे, अभी आधा घंटा जो हम बात करेंगे आपसे उसके 2-3 चरण रहेंगे। उसमें पहला जो क्षेत्र मैं चुन रहा हूं वो है वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आप में से जिनका प्रीलिम्स अच्छा हुआ है और जो मेंस देने वाले हैं और जो आगे देने वाले हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आप हमारा लेक्चर यूट्यूब पे देख लीजिए, ग्रुप में आपको दिखा देंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर में क्या क्या कहा गया है। आज बात करते हैं, चूंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट को वेटेज जो है अब जीएस से कम दे दिया गया है और 500 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट, 250 के दो पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, और चूंकि अब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो केवल एक है सिंगल, तो सिंगल ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो लोग सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है, और मास्टर्स में भी उनका रैंक काफी अच्छा था, यानी कि पर परसेंटेज बहुत ज्यादा थे।
अगर किसी ने केमिस्ट्री में एमएससी किया है और 90% से कर रखा है, 88% से कर रखा है, तो केमिस्ट्री में 88% से 90% से एमएससी करना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही उसने जेआरएफ नेट निकाला हुआ है, इसका मतलब उसने जेआरएफ नेट के केमिकल साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऐसा व्यक्ति केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करेगा और शायद वो केमिस्ट्री से ये एग्जाम निकाल ले जाएगा, क्योंकि अगर उसने वहां 90% बनाया तो यहां उसका 75% या यूं कहें कि 65% तो बन ही जाएगा और ये बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, है ना। दूसरा, अगर आप ह्यूमैनिटीज में हैं और पहले से ह्यूमैनिटीज में पढ़ते रहे हैं तो फिर आप चाहे पीजी करें चाहे ना करें, फिर आप अच्छा करेंगे। आपने इग्नू से पढ़ाई की है, आप बहुत अच्छा करेंगे। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्पेशल कैंपस हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जाने जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट के लिए जाने जाते हैं, कुछ कैंपस जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं, अगर आपने वहां से ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, तो डेफिनेटली आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपने आईआईटी है और आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, बढ़िया आईआईटी से किया है, एंट्रेंस में भी आपका बहुत अच्छा रैंक था, और ऐसे में यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक जब कर रहे थे तब भी आपका बाद में जो रैंक लगा वो पहला दूसरा पांचवा दसवां रैंक है, ऐसे में आप अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग निकाल ले जाएंगे। लेकिन यदि आप किसी ऑर्डिनरी कॉलेज से हैं और वहां से आप अगर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो एक तो सब्जेक्ट जिनने चूज नहीं किया है वो अपना सब्जेक्ट बहुत तत्परता से अपना बैकग्राउंड देखते हुए चूज कर लें, क्योंकि समय जो है वो निकलता जा रहा है। तो अपना सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, या तो आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट हो, ऑनर्स का सब्जेक्ट हो, आप उससे फैमिलियर हो, और ये तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे आपने केवल ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से किया है तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, आपने बायो से अगर ग्रेजुएशन किया है, आपने यदि कॉमर्स से यदि ग्रेजुएशन किया है तो कॉमर्स आपके लिए ठीक नहीं होगा, कॉमर्स सब्जेक्ट लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा अगर आप कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं। अगर आप बीएससी है और बीई है, ऑर्डिनरी बीई है या बीटेक है और स्पेशलाइजेशन उस तरह का नहीं है जो आईआईटी में होता है उस तरह का, तो फिर आप मत लीजिए, आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इनके चक्कर में मत पड़िए, फिर आपको इधर आना पड़ेगा। तो यहां आपको चार सब्जेक्ट में फिर से बता देता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, ये चार सेफ सब्जेक्ट माने जाते हैं। जो लोग साइंस में थे और फिर से साइंस जैसा टच चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनको आर्ट्स की तरह महसूस करना सोचना नहीं आता है, वो लोग अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी रख सकते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा साइंस का लुक आता है, साइंस जैसा महसूस होता है, तो आप लोग बने रहेंगे साइंस में एक तरह से। ज्योग्राफी ले सकते हैं, जिनको समाजशास्त्र में अच्छा लगता है वो समाजशास्त्र ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, और जो लोग हिस्ट्री को बहुत अच्छा महसूस करते हैं या यूं मानते हैं कि जीएस की बहुत सारी तैयारी करते समय हिस्ट्री पढ़ने में हमको दिक्कत आएगी, तो हम जब हिस्ट्री इतनी ज्यादा मेहनत करेंगे और इतनी ज्यादा मेहनत करके जब हम हिस्ट्री में पहुंचेंगे तो क्यों ना हम हिस्ट्री ले लें, वो लोग हिस्ट्री ले सकते हैं। पहले से जिनको बहुत इंटरेस्ट है, किताबें इकट्ठी कर रखी है, नोट्स बना रखे हैं, वो लोग वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा आपको एथिक्स वाले पेपर में मिलेगा, सेकंड पेपर में मिलेगा, निबंध में भी मिलेगा, और काफी जो डायनेमिक लिख लेते हैं और तुरंत अगर किसी को कोई नया प्रश्न दिया जाए तो इमिजिएटली वो आंसर बनाना है जिसको आता है, ऐसे लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 60% क्वेश्चंस जो होते हैं वो
नए आने लगे हैं, जो नए प्रकार के प्रश्न होते हैं और उसका इमीडिएट आंसर जो है आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि आंसर बने बनाए आंसर जो बाहर नोट्स में है वो काम नहीं आते। लेकिन अगर आप स्पेशल कैंपस से निकले हैं किसी जहां पर बहुत अच्छा है सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, तो आप तभी आपको लेना चाहिए जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी अच्छे कैंपस से जहां आपके सब्जेक्ट का माहौल था, लाइब्रेरी थी, अच्छे पढ़ाने वाले थे, वहां से आप लोग निकले हैं। लिटरेचर सब्जेक्ट में हमको अभी उलझना नहीं चाहिए क्योंकि लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। लेकिन फिर भी जो लोग अच्छा मानते हैं संस्कृत लिटरेचर को, हिंदी लिटरेचर को, इंग्लिश लिटरेचर को, बहुत इंटरेस्ट है, नॉवेल पढ़ते रहते हैं, साहित्य पढ़ते रहते हैं। और देखिए, सिलेबस से ललचा करके कभी भी आप सब्जेक्ट चूज मत करिएगा। तो सिलेबस से ललचा करके जो लोग सब्जेक्ट चूज करते हैं वो नुकसान में चले जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं ऐसा है कि ये सिलेबस जो है हमको फेवर करता है या बहुत छोटा सिलेबस है। ऐसा नहीं होता, कोई सब्जेक्ट जो है वो छोटा बड़ा सिलेबस वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको सब्जेक्ट के सिलेक्शन में। जब आपका एक बार सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा तो अब चूंकि 500 मार्क्स का गेम है और 500 मार्क्स में से आपको मार्क्स लेके आने, तो आपका टारगेट जो है वो 350 से 400 होना चाहिए। 300 से नीचे अगर आप सब्जेक्ट, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आप ले रहे हैं तो हालांकि कुछ बच्चों के कम भी आ रहे हैं, 300 से कम भी आ रहे हैं, 250 तक भी आ रहे हैं, लेकिन फिर उनका जीएस बहुत अच्छा है तब जाकर के उनका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट चूंकि आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अब मैंने आपको बताया कि लगभग प्रीलिम्स जो निकालते हैं बच्चे, उन प्रीलिम्स निकालने वाले बच्चों में 55% बच्चे ऐसे हैं जिनका ऑप्शनल ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि या तो वो ग्रेजुएट है वहां बहुत अच्छे जगह से, या मैंने जो बैकग्राउंड बताया कि स्पेशल कोई कैंपस है या पीजी है वो बहुत अच्छे परसेंटेज से, तो इस वजह से 55% बच्चे जो है वो आपका कंपटीशन बढ़ा देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका प्रिपेयर है, या तो कोचिंग में प्रिपेयर कर दिया है उन्होंने या कहीं कहीं। 45% बच्चे में यदि आप आते हैं जिनके लिए कि ऑप्शनल अभी नया है, अभी आपको ऑप्शनल देखना है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, खास करके एमपीपीएससी की या कई सारे राज्यों की पीएससी में अब ऑप्शनल हटा दिए गए, ऑप्शनल सब्जेक्ट है नहीं, तो उनको ऑप्शनल की आदत नहीं है, ऑप्शनल तैयार करने की आदत नहीं है, तो ऐसे बच्चे जो है वो यूपीएससी में स्ट्रगल करेंगे, उनको दिक्कत आएगी। तो अगर आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो अपने अभी मैं इसलिए भी बोल रहा हूं आपको कि जून में जो एग्जाम होने वाली है 27 जून को, उस एग्जाम के लिए टेस्ट और प्रीलिम्स के मोड में जो हम जाएंगे लगभग जनवरी में जाएंगे, जनवरी फरवरी में हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी के मोड में रहेंगे, और तब तक इधर मेंस भी होना है बच्चों का, जिन लोगों ने अभी इस बार अच्छा किया है अपने यहां से, करीब हमारे संपर्क वाले कम से कम 25 बच्चे हैं अभी जिनका प्रीलिम्स बहुत ही अच्छा हुआ है। अब बाकी रिजल्ट आने के बाद अभी कुछ बच्चों का और निकलेगा, लेकिन जो श्योर है बिल्कुल बहुत अच्छे हैं वो लगभग 25 हैं, तो उनको तो हम लोग मेंस की प्रिपरेशन करा ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ उन बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा जो अगले साल दे रहे हैं, आप जनवरी तक, यानी कि पूरा अभी नवंबर बचा है आपका, आधा अक्टूबर बचा है और दिसंबर, ये जो ढाई महीना है, ये ढाई से तीन महीना 15 जनवरी तक भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो प्रीलिम्स है वो थोड़ा सा और आगे है, नहीं तो फर्स्ट वीक में हो जाता है या फिर मई जो है लास्ट वीक में होता है। तो आप लोग पूरा ढाई तीन महीना जो है अपने मेंस के ऑप्शनल को दे सकते हैं, केवल ऑप्शनल को नहीं, जीएस साथ साथ चलता रहेगा, ऐसे की प्रैक्टिस चलती रहेगी, आंसर राइटिंग चलती रहेगी, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट को
महत्व देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जो फाइट है वो ऐसे लोगों से है जिनका ऑप्शनल तैयार है और उन्होंने एक एक सेमेस्टर में उस ऑप्शनल के एक एक हिस्से को जिया है, ऑप्शनल पेपर का जो सिलेबस है उसके साथ वो रहे हैं। और यहाँ जो यूपीएससी का जो सिलेक्शन है वो मार्क्स से होता है। आपने कितनी मेहनत करके इतने कम समय, जैसे किसी आदमी ने, अब मेडिकल साइंस जहां तक ले लें, अगर मान लीजिए कोई एम्स का टॉपर है, जैसे मैंने आपको बताया पहले हमारे एक दो स्टूडेंट टॉपर रहे हैं, लेकिन वो रहे हैं इंजीनियरिंग के भी और एम्स के भी। तो एम्स का यदि कोई टॉपर है और मेडिकल साइंस उसका बहुत अच्छा है, ऑलरेडी बायो उसका बहुत अच्छा रहा था तब वो एम्स में एडमिशन हो पाया उसका, और मैं तब की बात बता रहा हूं जब एम्स केवल एक होता था दिल्ली का बस, तो एक ही एम्स था और 50 सीट हुआ करती थी पूरे देश में, और उसमें भी पहला नंबर जिसका आया। और उसके बाद एम्स से जब वो एमबीबीएस करके निकले तो वहां पे भी उनका पहला नंबर था। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्होंने तो 9 सेमेस्टर पढ़े हैं एमबीबीएस के, तो 9 सेमेस्टर तक हर सेमेस्टर में उन्होंने टॉप किया है, और वही 9 सेमेस्टर अब सिलेबस के रूप में आ गया, मेडिकल साइंस का सिलेबस हो गया है यूपीएससी। तो यूपीएससी उस 9 सेमेस्टर को पूछती है, तो उसको तो अपना रिवाइज करना है, हालांकि बहुत मुश्किल होता है उसको रिवाइज करना 9 सेमेस्टर को एक साथ, और वो भी बहुत कम समय में। लेकिन उसको जब 9 सेमेस्टर उसने टॉप किया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है एक एक सेमेस्टर को, किताबें लाइब्रेरी उसके पास खुद की बना ली है उसने, नोट्स बहुत अच्छे रखे हुए हैं अपने कॉलेज टाइम के, तो ऐसे बच्चे 2 महीने में 3 महीने में उसको रिवाइज कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आप भी पर आप अब ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं अपना, उसका ऑप्शनल तैयार है, उसको सिर्फ रिवाइज करना है। और चूंकि उसको टॉपर होने की आदत है, 12th के बाद भी टॉपर थे और एम्स में भी टॉपर हैं, एंट्रेंस में भी टॉपर हैं, हर जगह टॉपर होने की जब जिसको आदत होती है वो फिर यहाँ पे भी टॉपर बनता है। तो वो मेडिकल साइंस लेगा, आप सोशियोलॉजी लोगे, आप ज्योग्राफी लोगे, आप हिस्ट्री लोगे, तो बात ये नहीं है कि आपके आपने पिछले 2 सालों में ज्योग्राफी पे बहुत मेहनत की है, कंसेप्ट क्लियर किए हैं, लेकिन उसके तो कंसेप्ट क्लियर है ऑलरेडी, उसका तो ऑप्शनल तैयार है। अब वो अपनी एनर्जी इन दिनों में केवल जीएस में लगा रहा है, ये केवल लाइट मोड में जो है अपना पढ़ लिया ऑप्शनल। तो दरअसल आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपका आप ज्योग्राफी तैयार कर रहे हो और आपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी नहीं रखा था और अब ज्योग्राफी तैयार कर रहे हो आप, तो आपके ऊपर कोई दया नहीं की जाएगी कि इन्होंने तो ये तो मतलब बहुत मेहनती हैं और इन्होंने तो अभी अभी, दरअसल ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल है टैलेंट, और वो जो भी ऑप्शनल चूज कर रहा है, क्योंकि शब्द है ऑप्शनल, वैकल्पिक विकल्प, आपके पास बहुत सारे विकल्प थे, आपने सबसे श्रेष्ठ विकल्प को चुना है कि मैं इसमें बढ़िया करके बताऊंगा। आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं कि ये 30 के आसपास ऑप्शन है, लगभग 30 विषय हैं, इन 30 विषयों में से कोई सा भी एक चुन लीजिए, आप चूज करेंगे, हाँ ये मुझे दे दो, इसमें मुझे सब आता है, आप जो बोलोगे उसका जवाब मैं इसमें दे दूंगा। तो वो बच्चा जो 9 सेमेस्टर में टॉप रहा और वो जो सब्जेक्ट चुन रहा है उसकी बात बिल्कुल अलग है, आपकी बात बिल्कुल अलग हो जाएगी जिन्होंने अभी 1 साल 2 साल से चुना है उसे, इसलिए उसमें गहरी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि उसको टॉपर बनने की आदत है तो वो ज्यादा लेके आएगा। अब कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, पबेड है, ज्योग्राफी तो तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी 1.5 साल लगता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ ये 6 महीने में भी हो जाते हैं। कई बच्चे हमने देखे हैं कि 6 महीने पढ़ते हैं, मार्केट से 2000 रुपए का मटेरियल खरीदते हैं, कुछ बुक्स खरीदते हैं, एक और चीज मैं बता दूंगा अभी स्टडी मटेरियल में जब मैं आऊंगा तो कुछ बुक्स खरीदते हैं और कुछ नोट्स खरीदते हैं 2000-4000 रुपए के, और वो उसको 6 महीना तक अच्छे से पढ़ते हैं और उस पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं।
और परीक्षा में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट इन सब्जेक्ट्स में होता नहीं है, लगभग लगभग वही प्रश्न होते हैं जो परंपरागत होते हैं, और रिपीट प्रश्न भी बहुत होते हैं। तो पिछले 10 सालों के पेपर करके भी आप ऑप्शनल को तैयार कर सकते हैं। किसी ने भी अगर पिछले 10 साल के पेपर को पढ़ लिया और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया तो इस साल का पेपर भी कर जाएगा, क्योंकि इन प्रश्न इन पेपर्स में ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स में नए प्रश्नों की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि जो सिलेबस है वो ऑलरेडी यूपीएससी पिछले 30-40 सालों में पूछ चुका है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो आप लोग देखेंगे मेंस के पूरे अनसॉल्व वगैरह मिल जाएंगे, आपको सॉल्व भी मिल जाएंगे, तो उनसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट इसलिए सेफ माने जाते हैं। दूसरी चीज, इन सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, किताबें बहुत ज्यादा अवेलेबल। अब कुछ बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि क्या नोट्स पर्याप्त होंगे या साथ में कुछ किताबें भी खरीदनी पड़ेगी। तो एक चीज मान के चलिए कि हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं सब्जेक्ट के जो अपने सब्जेक्ट में प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर होने के साथ साथ रोज कॉलेज जाते हैं, रोज लाइब्रेरी में बैठते हैं, कॉलेज की लाइब्रेरी की चाबी भी उनके पास होती है एक तरह से। ऐसे प्रोफेसर भी देखे हैं जो जिनकी खुद की किताबें हैं उस सब्जेक्ट में, लेकिन वो अपने ही सब्जेक्ट में ऑप्शनल में नहीं निकाल पाते। तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास कितनी किताबें हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके पास केवल नोट्स हैं और 2-4 किताबें हैं और वो आईएएस हो जाते हैं। कुछ बच्चों के पास 40-50 किताबें हैं, 400 किताबें हैं और वो नहीं निकाल पाते। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के 1 या 2 नोट्स पूरे सिलेबस वाले, जिसमें पूरा सिलेबस कवर होता हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 नोट्स आपके पास होना चाहिए या 1 तो होना ही चाहिए। नोट्स क्यों होना चाहिए, किसका होना चाहिए, तो ध्यान रखिए जो भी व्यक्ति मार्केट में नोट्स बना के बेच रहा है, खास करके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, निश्चित रूप से उसका सिविल सर्विसेज के दौरान वो ऑप्शनल रहा होगा और वो ग्रेजुएट भी होगा उस सब्जेक्ट में। अधिकांश लोग पीजी हैं उस सब्जेक्ट में, और पीजी होने के बाद वो यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे, फिर बाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे, अपना ऑप्शनल लिया, सक्सेस नहीं हो पाए, कई कारणों से सक्सेस नहीं हो पाए, और अपना ऑप्शनल वही रखा उन्होंने। अब उन्होंने अपने नोट्स, दूसरे के नोट्स और अपने स्टडी मटेरियल को सबको जोड़ करके एक नोट्स बना दिया और उसको लेकर के कोचिंग क्लास चला ली या मार्केट में अपना नोट्स उतार दिया, और 20-30 सालों से उस नोट्स में वो कुछ चेंजेस करते रहते हैं अपने अपने हिसाब से। ऐसे नोट्स को छोड़ देना बेवकूफी होगी, क्योंकि वो 2-3 हजार रुपए में मिल जाएगा, 4 हजार में मिल जाएगा, वैसे उसका कोई मूल्य नहीं है, उसको मूल्य से भी नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि वो उस व्यक्ति के 25-30 सालों का अनुभव का निचोड़ जो है वो उसमें दिखाई पड़ेगा, और उसका स्ट्रगल जो उसने किया है यूपीएससी के दौरान या कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौरान वो भी उसमें दिखेगा। तो आप ऐसे व्यक्ति के नोट्स लेते हैं तो आप उसके 30 वर्षों के अनुभव को खरीदते हैं, तो हालांकि उसका मूल्य नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके लिए वो बहुत काम की चीज है जो आपने खरीदी है। अब आपके लिए वो कम से कम 100 किताबों के बराबर है। 100 बुक्स पढ़ने के बाद जो आप ऑप्शनल में कुछ हासिल करते, वो उस आदमी ने प्रश्नों के उत्तर के रूप में संभावित प्रश्न भी दिए हुए हैं, संभावित उसके जो फिर उत्तर होंगे वो दिए हुए हैं, तो जो जैसा उससे संभव हो सका वैसा उसने अपनी योग्यता के हिसाब से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो आप टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ते हैं, सजेस्टेड मटेरियल आप लोग देखते हैं वेबसाइट्स पे, हमारी क्लास में हमने कई बार आपको सजेस्ट किया है, तो अलग अलग सब्जेक्ट अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एक आध नोट्स जो है जरूर रखिएगा, क्योंकि उसमें 25-30 वर्षों का अनुभव होता है। किताबें जो होती है वो सिविल सर्विसेज के अनुभव के हिसाब से नहीं होती,
किताबें सब्जेक्ट्स के हिसाब से होती हैं और वो सब्जेक्ट कॉलेज में चलते हैं, यूनिवर्सिटीज में चलते हैं, उस हिसाब से सामान्यता होती हैं टेक्स्ट बुक्स का खास करके। बाकी जो बुक्स हैं वो थिंकर के लेवल पे होती हैं। जैसे मैं सोशियोलॉजी में एम एन श्रीनिवास की बात करूं तो वो किताब यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो यूपीएससी एग्जाम के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो अपनी किताब लिख रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, थिंकर एज ए थिंकर लिख रहे हैं, वो सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो किताबें लिखी थी दास कैपिटल, वो किसी परीक्षा के लिए नहीं लिखी थी कि लोग उसको एग्जाम देंगे या वहां से साम्यवाद की परिभाषा निकाल रहे होंगे, इसलिए नहीं लिखी थी। कोई भी आदमी जो सामान्यतः किताब लिखता है वो बुक्स जो होती हैं वो एज ए थिंकर लिखता है, चिंतक लिखता है, और जो टेक्स्ट बुक्स बनती हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनती हैं, चाहे वो यूनिफाइड कोर्सेज की हों, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चा कैसे पढ़ करके आंसर देगा यूनिवर्सिटी में कॉलेज में, उसके आधार पर वो टेक्स्ट बुक्स बनती हैं। लेकिन जो नोट्स बनते हैं वो पर्टिकुलर एग्जाम के नाम से उसके ऊपर लिखा जाता है और वो उस सिलेबस को फॉलो करते हुए नोट्स बनाए जाते हैं, ताकि उस सिलेबस में जितने भी तरह के प्रश्न आते हों उनके अधिकांश उत्तर, देखिए कोई भी नोट्स 100% नहीं दे सकता आपको, जो सबसे अच्छे नोट्स होते हैं वो 70-80% आपका फुलफिल करते हैं। 70-80% डिमांड को, सिलेबस की डिमांड को अगर वो पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब वो सबसे अच्छे नोट्स हैं, पूरी तरह से कामयाब जो है वो नोट्स नहीं होते, सारे के सारे नोट्स नहीं हो सकते। तो आज मैंने बहुत विस्तृत बात करने की कोशिश की, खास करके इन दो क्षेत्रों में, एक तो सब्जेक्ट के चयन के मामले में और दूसरा नोट्स के मामले में, तीसरा है कोचिंग कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जैसा मैंने अभी सिलेबस के बारे में बताया था या चयन के बारे में बताया था आपको और खास करके स्टडी मटेरियल के बारे में बताया था, ठीक यही बात जो है कोचिंग के मामले में भी हो जाती है कि अब चूंकि ये कोई पार्ट टाइम तैयारी नहीं है, सीजनल तैयारी नहीं है, ये पूरी तरह से आपको तैयार करना चाहिए, तो आपके पास ऑनलाइन वाला ऑप्शन भी रहता है, ऑफलाइन वाला भी रहता है। अभी कोरोना में ऑफलाइन वाला नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जीएस में आते हैं तो उसको तो हम लोग हमारी कोचिंग में वैसे ही तैयार करवा देते हैं। प्रवेड आपका हमारे यहाँ बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, हिस्ट्री बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, ज्योग्राफी हम बहुत अच्छे से तैयार करा देते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत कॉमन सब्जेक्ट्स हैं और जो स्केलिंग में और मॉडरेशन में भी फिट बैठते हैं, जो आपको सफलता दिलाते हैं, स्केलिंग मॉडरेशन की भी बात करता हूँ मैं आपसे, तो इसलिए चूंकि वो आपके लिए फायदेमंद होते हैं इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई। तो ये तो हमारे यहाँ तैयार हो जाता है, क्लास में ही तैयार हो जाता है, और कुछ के जो ऑप्शनल के नोट्स हैं वो आप हमसे अलग से भी मंगवा सकते हैं, हम अवेलेबल करा देंगे आपको, अच्छे नोट्स अवेलेबल करा देंगे, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जीएस की तैयारी के साथ साथ हम लोग जो आप लोगों को ऑप्शनल तैयार कराते हैं उसमें आपको होमवर्क बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि एक चूंकि आप सेल्फ डिपेंड रहेंगे और आप खुद तैयारी कर रहे होंगे तो इसलिए आपको होमवर्क पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यानी रोज 6 घंटा ऑप्शनल की पढ़ाई अगर आप अगले 2.5 से 3 महीने करने को तैयार हो तो हम आपका ऑप्शनल भी तैयार करा देंगे और आप उस ऑप्शनल के टेस्ट भी ले लेंगे हम, और आप इसको बहुत अच्छे से इस ऑप्शनल की तैयारी के साथ साथ एसे की तैयारी भी कर सकते हैं, और जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस जो है आप इसमें कवर करेंगे। तो ये रही आपकी ऑप्शनल की बात, और टेस्ट की बात मैं आपसे कर चुका हूं, स्टडी मटेरियल की बात हमारी हो चुकी है कि स्टडी मटेरियल किस तरह से आप लोग मार्केट से ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं, या फिर स्टडी मटेरियल इन दिनों में जो लोग
अभी एग्जाम नहीं देना है, जिनको एक साल डेढ़ साल बाद दो साल बाद जिनको एग्जाम देना है वो लोग नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, अपना नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए उनको, खुद लिख सकते हैं। और जिनको तीन साल बाद देनी है, आपको भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्वेल्थ के बाद आए हैं, ऐसे बच्चों को तीन साल बाद वालों को नोट्स बिल्कुल बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी जो है देरी नहीं करना चाहिए नोट्स के मामले में। तो ये चीजें थी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, जो मुझे लगता है आपकी बहुत सारी शंकाओं का समाधान ऑप्शनल के मामले में हुआ होगा। अब मैं थोड़ा सा स्केलिंग और मॉडरेशन के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए कि यूपीएससी चूंकि ऑप्शन दे रहा है और एक लिस्ट दे रहा है कि इस लिस्ट में से आप चूज कर लीजिए कि आप किस प्रकार के सब्जेक्ट को आप लेना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन जो है ये कई बार संस्था के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी, उसके लिए भी एक सरदर्द बनता है, क्योंकि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने की बात कर रहे हैं और तमाम प्रकार के ऑप्शन आप दे रहे हैं, विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं परीक्षार्थियों के सामने, तो परीक्षार्थी अपने अपने विकल्प के साथ काम करेगा, मेहनत करेगा और आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो जब वो अपने विकल्पों के साथ आएगा, ऐसे में आपको न्याय करना पड़ेगा, केवल कॉपी चेक करवाने से तो बात नहीं बनेगी, हिस्ट्री का व्यक्ति, सोशियोलॉजी का व्यक्ति, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का व्यक्ति, जूलॉजी का व्यक्ति, साइकोलॉजी वाला, फिलोसॉफी वाला, सब अपने अपने सब्जेक्ट को तैयार करेंगे फिर एग्जाम देंगे। पेपर सेटर्स जो होंगे सबके अलग अलग प्रोफेसर्स होंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लोग होंगे, वो पेपर सेटर्स होंगे, पेपर तैयार करते हैं, यूपीएससी को देते हैं। तो अब कौन सा पेपर कितना टफ है और कौन सा सब्जेक्ट कितना सरल है, कठिन है, इन सबका मूल्यांकन कैसे होगा? तो इसके लिए इंटर सब्जेक्ट और इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा सब्जेक्ट स्केलिंग थोड़ा सा मुश्किल लगता है कई बार समझने में कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्केलिंग करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो करते हैं। और जैसा हमने राजस्थान और कई जगह केस हुए और कोर्ट में जब जवाब दिए लोक सेवा आयोग वालों ने, तो वो लोग बताते हैं कि हम लोगों ने गुणसेकरण का फार्मूला यूज किया है और जीएस में भी हम करते हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ हम लोगों ने जब पहली बार लोक सेवा आयोगों के जवाब सुने कोर्ट में, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि जीएस में करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जीएस तो सबका एक जैसा होता है, उसमें स्केलिंग की क्या आवश्यकता है, उसको तो सभी लोग एक साथ देते हैं। आप सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और जूलॉजी और फिजिक्स और हिस्ट्री में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और अगर ऐसे में यदि आप स्केलिंग करते हैं या मॉडरेशन करते हैं, तो चलता है और जरूरी भी है। तो इंटर सब्जेक्ट तो समझ में आता है, लेकिन इंट्रा सब्जेक्ट क्यों करते हैं ये पता नहीं, लेकिन करते हैं। यूपीएससी ने कभी ऐसा कोर्ट में हलफनामा नहीं दिया, एफिडेविट नहीं दिया कि हम क्या करते हैं, लेकिन जो स्टेट सर्विस वालों ने दिया है, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया है, उन जवाबों में वो साफ साफ लिखते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ये फॉलो करते हैं। इसका मतलब यूपीएससी यही करता होगा, आखिर वो राज्य लोक सेवा आयोग जो है कोर्ट में एफिडेविट में लिख रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं, तो डेफिनेटली यूपीएससी भी ऐसा ही करता होगा, ये मानते हैं। और दुनिया भर में ये फार्मूले जो हैं ये रिजेक्ट किए जा चुके हैं, उसके बावजूद इन फार्मूला के आधार पर यूपीएससी हर साल ऐसा करता है। तो जो आपका सब्जेक्ट आपको 250 में से 180 दे सकता है, उसको गिरा के नीचे कर दिया जाता है और वो 140 के आसपास आ जाता है। कई बार जो सब्जेक्ट 120 तक जा रहे हैं वो बढ़ा करके 170 कर दिया जाता है। तो आप 180 ला करके भी 140 हो गए और वो 120 ला करके भी 170 हो गया,
तो मैं आपको 100 के हिसाब से बताता हूं, चूंकि ये 250 वाले गेम में ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं 100 के हिसाब से बताता हूं। जैसे स्पेशलाइजेशन होगा, कोई मैंने आपको बताया मेडिकल साइंस में है, और मेडिकल साइंस में तो मेडिकल साइंस तो वही लोग व्यक्ति लेंगे जो मेडिकल कॉलेज के टॉपर रहे होंगे, या एम्स से जिसने किया होगा, या अच्छे मेडिकल कॉलेज से जिसने किया होगा वो इसको लेंगे। तो मेडिकल कॉलेज में जिनने टॉप किया है वो तो ऑर्डिनरी बच्चे नहीं होंगे, वो वहां 80-90% बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी 75 तो बनाएंगे। तो जब वो यहाँ 75 बनाते हैं तो 75 उसका एवरेज चला जाता है सब्जेक्ट का, लगभग 75 का एवरेज। ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जो स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं उनका। अब चूंकि पबेट तो हर किसी ने लिया है, हिस्ट्री हर किसी ने लिया है, सोशियोलॉजी हर किसी ने लिया है, और हर किसी को कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये तो मैं कर लूंगा, सिलेबस मुझे अच्छा तक लगता है, नोट्स पढ़े और देखा कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन एग्जाम में वो उतना अच्छा नहीं कर पाता, इसलिए उसका जो स्कोर है वो 55 के आसपास पहुंचता है, एवरेज जो है वो 55-45 जाता है। तो 55 का एवरेज एक 75 का एवरेज इक्वल मान लिया जाता है। यूपीएससी इस तरह से मानता है कि ये 75 जा रहा है, इसका मतलब ये बहुत सरल सब्जेक्ट है, क्योंकि जिसे देखो वही 75 ला रहा है, और यहां अगर कोई 55 पहुंच रहा है इसका मतलब 55 लाना बहुत कठिन काम है, 55 हर कोई नहीं ला सकता। तो 55 जो है वो टफ मान लिया जाता है, तो इसको प्राइज दिया जाएगा और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, तो 55 इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। तो क्या होगा, अब 56 कोई लाया और उधर कोई 76 लाया है, तो किसका सिलेक्शन हो जाएगा, 56 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। और 55 वाला एवरेज वाला अगर अपने सब्जेक्ट में 65 ले आया तो उसको 75 मान लिया जाएगा, और 75 वाला यदि 70 लाया तो उसको 65 मान लिया जाएगा, क्योंकि उसको माइनस कर दिया जाएगा। 75 एवरेज है और कहीं आपके 70 आ गए तो आप माइनस हो जाएंगे 5 और आप आ जाएंगे 65 पे, और 55 एवरेज है और आप 65 ले आए तो आप पहुंच जाएंगे 75 पे, क्योंकि 55 से 65 में 10 ज्यादा है, तो 10 और आपको बोनस मिल जाएगा, तो आपको 75। तो जो रॉ मार्क्स हैं वो आपके 65 होंगे, लेकिन स्केल्ड मार्क्स जो होंगे वो 75 होंगे। उसके रॉ मार्क्स हैं 75, लेकिन वो लाया क्योंकि उसके रॉ मार्क्स हैं 70 और वो उसके 5 कम आए, इसलिए उसके जो स्केल्ड मार्क्स हो जाएंगे 65। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी आपको कि मॉडरेशन और स्केलिंग क्या है। ये इंटर सब्जेक्ट भी होगी और इंट्रा सब्जेक्ट भी होगी, और ये दोनों होने के कारण आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको ऑर्डिनरी लोग ज्यादा मात्रा में ले रहे हों, ज्यादा संख्या में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2500 लोग लेते हैं, हिस्ट्री 2500 लोग लेते हैं, और सोशियोलॉजी करीब 1800 लोग लेते हैं, तो ये ज्योग्राफी करीब 2000 लोग लेते हैं। तो जो 2000 के आसपास लोग लेते हैं, है ना, 1800 से लेकर 2500 के बीच में जिन सब्जेक्ट्स को लिया जाता है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट करते हैं, सबसे ज्यादा फायदा है। अब फिजिक्स पूरे देश में 30-40 लोग लेंगे, पूरे देश में बॉटनी 30-40 लोग लेंगे, तो पूरे कंट्री में 30-40 लोग जहां हैं, कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो दो तीन लोग लेते हैं, है ना, जैसे मैथिली सब्जेक्ट तो आजकल ज्यादा लेने लगे हैं लिटरेचर में। तो अब आप हमारे पुराने अगर लोक सेवक निर्माण के इश्यूज रखे होंगे तो पीछे हमने एनालिसिस दिए हुए थे सब्जेक्ट वाइज कि कौन सा सब्जेक्ट कितने लोगों ने लिया है, यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, कि कौन सा सब्जेक्ट कितने लोगों ने लिया था। और जब वो 2 ऑप्शनल होते थे तब के हमारे डेटा रखे हुए हैं कि फर्स्ट ऑप्शनल और सेकंड ऑप्शनल कितने किसने किसने क्या क्या चूज किया।
तो हम जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो स्केलिंग मॉडरेशन के आधार पर भी कर रहे हैं, सिलेबस के आधार पर भी कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल के आधार पर भी कर रहे हैं, नोट्स के बेस पर भी कर रहे हैं और कोचिंग क्लासेस के आधार पर भी कर रहे हैं और हमारे 20-25 साल के अनुभवों के आधार पर भी कर रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप उस तरह से मानिएगा। आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है लेकिन अगर वो स्केलिंग में फिट रहा है तो आपको सावधानी से पेश आना पड़ेगा उसके साथ, फिर आप वो गलती नहीं कर सकते, अदरवाइज नुकसान में चले जाएंगे। तो चूंकि स्टेट सर्विस की तैयारी करने वालों को ऑप्शनल की आदत नहीं होती, लेकिन यूपीएससी का भी प्री दिया है और होने कई बच्चे ऐसे हैं जो होने जैसी स्थिति में है, तो एकदम से टेंशन में आ गया कि आप सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे ही लिख दिया था पहले फॉर्म डालते समय, लेकिन उनकी तैयारी तो उस तरह से नहीं है, तो अब उनको दिक्कत आ रही है। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं कुछ तो भी पढ़ने में और ऑप्शनल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपका प्री बहुत अच्छा हो गया और लगेगा कि बस 2 महीने बाद आपको मेंस देना है, और कई बार रिजल्ट आने पे पता चलेगा कि प्रीलिम्स आपका हो गया है, क्योंकि पहले आपको विश्वास नहीं है और अचानक से पता चला कि अब आपको मेंस देना है और 1 ही महीने बाद मेंस होने वाला है या 1.5 महीने बाद होने वाला है, तो आप इतनी आसानी से ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार नहीं कर पाएंगे। तो आज मैंने बात जो है वो आपसे की है ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर और उस पर सारी चीजें समेटने की कोशिश की है। तो चलिए सब लोग आप अपने अपने ऑप्शनल का ध्यान रखेंगे और मेरी चेतावनी चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। हम आपकी सहायता करेंगे, कोचिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जिन लोगों ने नहीं की है, और जो लोग नोट्स के माध्यम से चाहते हैं वो नोट्स ले सकते हैं। बाकी सलाह तो हम देते ही रहते हैं, आप लगातार लेक्चर देखिए और लाभ उठाइए। चलिए।